बिकिनी शो आई गोवा में आके बिकिनी शो बी अवेयर ऑफ जेलीफिश। तो अभी अभी हुआ है लगता मेरे को। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग फ्रॉम साउथ गोवा। ए बनियान में क्या घूमते रहे शी? प्रॉपर्टी वाला मैनेजर आया था और उसने बोला हम पूल में जा सकते अगर पूल साफ है तो। मतलब हमारी केयर कर रहा है कि ये पूल साफ है तब भी जाना तुम, हमारे लिए तो सब साफ है। देखो दिखा भाई कितना साफ है, कितना ज्यादा साफ है पूल। वे भी कितना पूल साफ है ना, अभी इधर से ऊपर से कूद ही मारेगा। मेरे को मन कर रहा है यहाँ से जाऊँ। कहाँ से भाई, कुछ जा मत जा मत। मैडम अरे फाइनली गाइस हम लोग निकल रहे हैं बीच के लिए साउथ गोवा में। क्या हुआ इधर, किसने तेरे कपड़े फेंक दे रहा हूँ? कैसे फेंक दिया नीचे, अपना टकाटक रेडी हुई है। किसने फेंक दिया बीबी? मैंने तो नहीं फेंका। बारी आएगी। देखो पता नहीं कौन सा कीड़ा है इधर पे बैठा हुआ है, रात से ही बैठा है, अभी तक घर गया नहीं बेचारा। दुनिया के सारे कीड़े के फोटो वीडियो है ना मेरे पति को ही लेने। मेरे साथ रह के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी सीख गया ना तू, वाइल्ड से कम है क्या? हर चीज पे मारती क्या, मैं मार दूंगा तो गिर जाएगी एक ही बार में। ओ ये दिखाओ ये कीड़ा, रुक ये दिखाने दे मेरे को जनता को, क्या खूबसूरत लग रहा है इसके वो सींग। सामने से सींग देखना इसके। अरे इसको बड़ा चुनमचता है भैया के साथ माइक्रो फोटोग्राफी करने। ये देखो ये ऐसा उड़ के सीधा कैमरे पे आया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वारका बीच पे। वारका बीच से लग के दो तीन बीच और है, जूरी बीच है और फाटोड़ा बीच करके है कुछ, फाटड़ा या फाटड़े कुछ तो है। हमारी पौमा देखो यहाँ पे मैप लेके बैठी है और ऑफ रोडर गाड़ी चला रहे हैं। तो अभी हम लोग वारका बीच पहुंच चुके हैं। ये पीछे दिख रहा है ना भाई, क्लब महिंद्रा का ना बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, शुरू से अंत तक, मतलब जहाँ पे हम लोग ने कार लगाया और बीच तक एंड पूरा। यहाँ पे फोर व्हीलर आ नहीं सकते तो चल के आना पड़ेगा वहाँ से। और देखो यहाँ पे लिखा है बी अवेयर ऑफ जेलीफिश, तो शायद यहाँ पे जेलीफिश है इसका। अरे माँ कसम बच गया, गिर जाता था अभी। ये देखो यहाँ से इसका एंट्रेंस है भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है। शायद कार वार आ सकता तो मज़ा आ जाता। वैसे इस बीच पे मुझे कोई दिख नहीं रहा है तो हम लोग लड़कियों को नहीं लेके आएंगे यहाँ पे, हम खुद जाके ज़रा पहला सर्वे कर रहे हैं कि भाई सही है कि नहीं है। ये देखो ये नाला, ये क्या है भाई, तालाब लग रहा है, मतलब दलदल है और उसके ऊपर से ब्रिज है। मुझे दूर से ही दिख गया था कि बीच में कोई नहीं है तो शायद इधर नहीं लाएंगे। कोई नहीं है ना, हाला पानी भी गंदा है और लहरें देख कितनी बड़ी बड़ी है। बाप रे बाप, रेड फ्लैग इधर लगा के रखा है, रिस्की है। सैंड एकदम गरम गरम लग रहा है, डेंजर का बोर्ड लगा रखा है यहाँ पे, बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्विमिंग करना मना है, स्ट्रॉन्ग करंट यहाँ पे लगता है, थंडर वंडर गिरता होगा इसीलिए लोग ने। तो बारिश में शायद ये बीच को अवॉइड करो या तो यहाँ मतलब आओ ही नहीं और यहाँ पे स्विमिंग विमिंग मत करना। जब इन लोग ने बोल रखा है तो उस चीज़ का पालन करना चाहिए यहाँ पे। और काफ़ी दूर तक मैं दिखाऊँ ना भाई साहब, एकदम ऐसे लग रहा है तूफान आया हुआ है वहाँ पे। तो देखो ऐसे तूफान तूफान दिख रहा है, सब उड़ रहा है एकदम एकदम से ऐसा। और इस साइड पे बीच पे सर्फ रेस्क्यू, मतलब यहाँ पे चलो रेस्क्यू, इनकेस कोई गया है नहा रहा है तो फिर वो बचा लिया जाएगा, लेकिन जाओ ही मत वहाँ पे। देखो गार्ड बैठे हुए हैं और वहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं लेकिन शायद पता नहीं क्या होगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, बीच देख लिया, काफ़ी बड़ा बीच है, वहाँ से वहाँ तक है। अपनी गाड़ी उधर खड़ी है और ये सीढ़ी चढ़ के आना है, यहाँ से जाना है। तो अभी हम लोग वारका बीच से निकले और आ गए यहाँ पे जूरी बीच के पास। वारका बीच यहाँ पे हम लोग गए, मतलब हम लोग गए थे और बीच खुद घूम रहे हो। ये लोग क्या बोलते हैं, चेक करके आओ, हम लोग आए चेक करके। ये लोग बोलते हैं ना पहले जाके चेक करके आओ सेफ है कि नहीं है, तो हम लोग जाते हैं पहले चेक कर लेते, घूम लेते, फिर आते बोलते नहीं सेफ है। साउथ गोवा में ना बीचेस काफी अच्छे हैं, तो यहाँ पे ना बहुत पीस है भाई, यहाँ पे ना गर्दी है ना कुछ है, दोपहर का टाइम है इसलिए पता नहीं। हम लोग आए हैं सूरी बीच पे, यहाँ भी कोई नहीं है तो आपको बता दूं, वो देखिए वहाँ पे एक रेड फ्लैग दिख रहा होगा, वो है वारका बीच और ये है सूरी बीच, तो ये कनेक्टेड है ऑल। हाँ तो फाटोड़ा या फाटड़ा जो बीच था वो भी कनेक्टेड ही है, सब बीच इसको कनेक्टेड ही है, पता है क्या? हाँ वो ब्रिज अच्छा था, ये तो मजा नहीं है इसमें। हाँ सो यहाँ पे कोई नहीं तो यहाँ पे थोड़ा टाइम रुकते हैं, देखते हैं अभी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि गर्म हो रहा है काफी ज्यादा। पे इंसान को तो गर्मी हो ही रही है, बेचारा डॉगी भी परेशान है गर्म की, गर्मी हो रही है, पता नहीं बड़ी क्या बड़ी क्या ढूंढ रहा है अंदर। देखो मच्छी है बड़ी बड़ी यार। सब मुझे लगता है थोड़ा डेंजर बीच है क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग करना मना है और काफी सारे डेंजर के बोर्ड लगे थे। देखो आम का पेड़ बदल गया, यहाँ पे सब आम फरे हुए लेकिन पेड़ ही दूसरा है। बाबू देख आम, बाबू आम गिरे हुए देख।
ये आम है। तो वेल अभी हम लोग आ गए कल रात वाले स्पॉट पे वापस से खाना खाने के लिए लंच, क्योंकि लग गई है भूख। इसके बाद दूसरा बीच एक्सप्लोर करेंगे। वैसे कुछ खास एक्सप्लोर किया नहीं है सुबह से। गोवा में इधर साउथ गोवा में बीचेस ही एक्सप्लोर करने जैसा है। हम लोगों को पता ही नहीं कि वेज बुलेट ऐसा होगा। उसी ने रिकमेंड किया था कि खाइए आप, अच्छा इधर का ये सिजलर है, ये सिजलर टाइप अच्छा लग रहा है। टेबल पूरा साफ, हमारा लंच हो गया। क्या बाबू इसका नाम? चीज। अभी हम लोग निकल रहे हैं कोलवा बीच के लिए। क्या कोलवा के कलवा? कोलवा। तो हमारा लंच और डिनर कल का यही हुआ था। डोमिंगोज है ये, ओमिंगोज हो गया, डी गिर गया इसका लगता है किधर। ओमिंगोज गजीबो। ओए होए गाड़ी की हालत देखो, अभी हुआ है लगता मेरे को ना। अरे एयरबैग निकला, अरे एयरबैग निकल गया गाड़ी का, मजबूर ठोक दिया किसी ने। कांच वाच पूरा गया यार उसका, बहुत खतरनाक ठोका है ना। मस्त है ना, पूरा गांव है सब गाय भाई चल। अभी फाइनली हम लोग आ गए किधर, कौन सा बीच है? बेलोलियम बीच। सो देखते हैं अंदर जाके कि मतलब यहाँ का हालचाल कैसे। वैसे राहुल अंदर ही है गाड़ी में, कि यहाँ पे भी कुछ खास है नहीं बीच पे, सिर्फ नॉर्मल बीच है। तो ये जो सारे बीच है ना कनेक्टेड ही है, सिर्फ एरिया वाइज इनको स्प्लिट किया है। और सब बीच पे ना बहुत शांति है, मतलब बागा बीच के हिसाब से ये सारे बीच है ना बहुत शांति शांति है। यहाँ पे कुछ तो भी लोग है थोड़े, ऐसे लग रहा है ना हाई टाइड आने वाला है, इसके लिए सब जगह पे रेड अलर्ट डाला है और बहुत कम लोग है। और कितना जोरों से लहरें आ रही होती। देखो यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल सारे घरों को अलग अलग कलर किया हुआ है, मस्त लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल है। सारे बंगलोस टाइप और फिर नारियल के झाड़। जल्दी चेंज करो, गए वो लोग। चलो चलो मैं आ रहा हूँ चेंज करो बाहर। हाँ चल चलो चेंज करो। हम लोग अभी पहुँच गए हैं कोलवा बीच पे। तो यहाँ पे काफी गर्दी है और बहुत सारे लोग भी है, स्टॉल्स भी है बहुत सारे। सो मजा आएगा यहाँ। यहाँ पे पानी ना काफी ज्यादा साफ है और ना ये देखिए यहाँ पे रेत नहीं है, मतलब ये पैर वैर में चिपकता नहीं है ये रेत। ये देखो ये रेत है ना, पैर वैर में चिपकेगा नहीं क्योंकि ये वो चिपका हुआ है ना। ये बेबी यार मस्त है ना यार, कितनी हॉट दिख रही है ना वो। पीछे देखो बिकिनी शो, आई गोवा में आके बिकिनी शो। आगो भाई पहला भी चश्मा टूट जाएगा। पूरे गोवा में पहली बार कोई लड़की बिकनी में दिखी है। ये बाबू मस्त लग रही है रे, एकदम बाबू मस्त लग रही है। तू रे तू एकदम क्या झकास लग रही है पता है क्या आज? मेरे को लेके नहीं जाती गोवा। अरे लेकिन क्या मस्त लग रही तू पता है क्या, एकदम से डुबा देगी मेरे को। नहीं 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 जाने दो, माफ करो माफ करो माफ करो देवी माफ करो। एक्चुअली पूरा भीगना था। बड़ा बढ़ाया बढ़ाया भाई बढ़ाया। तो यहाँ पे भाई कोलवा बीच में काफी ज्यादा गर्दी है और काफी अमेजिंग सा व्यू है। आप स्काई और कलर्स देख सकते हो। यहाँ पे काफी लोग एंजॉय भी कर रहे हैं वहाँ पे उस साइड पे। ये लोग का क्या कहना है ना गार्ड लोग का, कि जहाँ पे गार्ड्स हैं आप लोग वहीं पे पानी के अंदर जाओ, क्योंकि जहाँ पे गार्ड्स नहीं है वहाँ पे अगर आप लोग पानी के अंदर जाओगे तो फिर बचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गार्ड्स का ध्यान नहीं रहता है, कभी कुछ रहता है। इसीलिए वो बोलते हैं कि जहाँ गार्ड्स है लाइफ गार्ड वहीं पे आप पानी के अंदर जाओ जितना अंदर जाने का है।
लोग यहाँ से निकल गए भाई। मजा है कोलवा बीच में, साउथ मतलब साउथ मुंबई बोल रहा हूँ, साउथ मुंबई याद है तो साउथ गोवा में सोगो में यहाँ पे बहुत गर्दी थी, अच्छा लगा, काफी लोग थे, जब गर्दी रहती है तो अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पे गर्दी थी तो अच्छा लगा, मतलब इंसान की क्या क्या ख्वाहिश है, क्या क्या चाहिए होता है। एनीवेज अभी हम लोग निकल गए हैं कोलवा से और अभी जा रहे हैं, रास्ते में थोड़ा बहुत कुछ पिकअप करेंगे क्योंकि हमारे पास किचन है तो क्यों ना किचन का यूटिलाइज करें। सो लेट्स सी, और अगर शॉपिंग होता है तो अभी देखते हैं, यहाँ पे कुछ मिलेगा तो ले लेंगे उसके हिसाब से। क्या बोल रहा था तू, क्या ख्वाहिश अधूरी रह गई? नहाने की ख्वाहिश अधूरी रह गई, अभी स्विमिंग पूल ये नहाया नहीं है सुबह से, है ना? मेरे को समुद्र में नहाना था ना। क्या मतलब क्या मजा मिलेगा समुद्र में नहा के? अपने पास स्विमिंग पूल है, इसको नेचर से बहुत लगाव है। ये देख फॉरेनर गोरी गोरी ए गोरी गोरी। अभी हम पूल में मजा लेते हुए, लेकिन पानी थोड़ा गर्म है, एक्चुअली धूप का ना, सुबह आएंगे। किधर से करो, इधर से आओगे चल के ना? मरा हुआ बच्चा। अरे पैर किधर है? I love Bloomy. Yeah, Bloomy, I'm yellow me. I'm Xiaomi. Redmi. This guy is Redmi, Xiaomi, Bloomy, yellow me. I am orange. You are orange me. You are orange me. Okay. What's your name? Lesbon. 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 One. Lesbon. And your name? It's your name, buddy. Naidan. Naidan, Bapri. सबके यूनिक नेम है इधर, अलग अलग नाम सुनने को मिला फोन में। ओके शी स्नेहा, यस शी हैज, यस शी खुशी ना, खुशी स्नेहा। अच्छा खुशी स्नेहा, हां रियल में स्नेहा पेटने में खुशी। अच्छा चलोगे कि नहीं पूल में से बाहर तुम लोग? चलो भाई चलो, बाय गाइस, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। हम लोगों को काफी अच्छे गोवन फ्रेंड्स मिल गए यहाँ पे, सो मजा आया भाई। यहाँ पे हमारा जुगाड़ हुआ था तो हमने क्या किया था, जो हमारे पास कार में अच्छा है ये प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे किचन भी है, किचन के साथ और वॉश और, तो हमने क्या किया, जितने बॉटल गाड़ी में थे सब लाके इसमें रख, सब लाके भर दिया इसमें, सब चिल्ड हो रहा है मस्त में। अभी जब मुंबई जाएंगे तो हम लोग को पानी खरीदने की जरूरत नहीं, हो गया बर्फ हो गया, अरे निकाल, अब निकाल के नीचे रेस्टोरेंट वगैरह में भी जा रहे ना तो ये लेके जा रहे, खरीदने की जरूरत, क्योंकि 50-100 रुपए का पानी मिलता है, सस्ता दारू मिलता है। आ गए अपने करके भाई 2 BHK में, मजा आ गया। 2 BHK मेंशन, आज आज क्योंकि मुंबई में मिलता नहीं ना 2 BHK, आज हमारा लास्ट नाइट है यहाँ पे और कल मॉर्निंग में चेकआउट है, सॉरी कल मॉर्निंग में हमारा चेकआउट है, चेकआउट बढ़ा सकते थे लेकिन ठीक है। पर अब भाई गोवा में मजा आया कि नहीं मजा आया? अरे भाई और ब्लॉग्स कैसे रहे जरूर कमेंट में बताना, और अब रह क्या गया ना चेकअप, मतलब बढ़ा के क्या कर सकते हैं, हम सोच रहे थे एक और दिन रहने, बट अभी सब कुछ कवर कर लिया है सो, और इतना दूध सागर वगैरह तो बहुत दूर है, शादी है, लोग की शादी में जरूर आना, जल्दी लोग का शादी होने वाला है। अरे वो सब छोड़ो, तुम लोग किधर गए थे हनीमून? हनीमून हम लोग हनीमून पे आए, ये हम लोग का हनीमून ही है, ये हनीमून है, 2-3 साल के बाद हनीमून पे हम लोग, हम लोग कहीं नहीं गए थे। तुम लोग किधर जाओगे? मालदीव्स, बाली? नहीं हम लोग मजाक नहीं कर रहे, पर हम लोग किधर नहीं गए के बाद भी हनीमून नहीं आए। 3 साल पहले साल तो हम लोग गए नहीं, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर लॉकडाउन थोड़ा नॉर्मल हुआ तो हम लोग अपने काम पे लग गए, फिर अब जाके इतना बड़ा ट्रिप पहली बार ही मारे है ना। सो एनीवेज गाइस, आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाय।